जितनी गाड़ी बनवाई है वैसे भी हमने बनवाई है। आज आप जनता से खुद पूछ सकते हैं कि हमने कितना काम किया। यहाँ कोई गलियां पक्की नहीं थी। वार्ड 14 का पार्षद और मैंने आगे विकास कार्य करवाए। अभी भी 2,72,00,000 रुपए के टेंडर कमिश्नर की टेबल पे सिग्नेचर होने के लिए पड़े हैं। अभी एक सफाई की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर पूरे विकास नगर में सफाई नहीं कर पाते। आप देख लो जगह जगह ये ढेर लग रहे कूड़े के, थोड़ी बारिश होने यहाँ पानी खड़ा हो जाए। मार्शल जी तो कह रहे हैं मैंने सारे काम करा दिए, अब तो कोई काम ही नहीं बचा। गलियों में तो कूड़े के ढेर लगे रहा, नालियां सड़ी पड़ी। गली कहाँ बनी है? गली तो बहुत पड़ी है, छोटी छोटी छोड़ दी है टुकड़े। पार्सल मोड़ते जब ये नगम निगम आ गया तो डेरी क्यों रहती है इसके अंदर? एक विधायक आकर के एक बिजली के खंभे का मुहूर्त करके जाता है, इससे बड़ी तो इन एक विधायक पद की क्या होगी। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है विधायक रोहित रेवड़ी के पति सुरेंद्र, धमकी भरी लहजे से बात करते। कभी वो मेरा मकान गिरवाने के लिए जेसीबी भेज देते हैं, कभी मुझे खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो अपनी जनता के पास भी कहा हुआ हूँ, कोई नेता की औकात नहीं मुझे खरीद ले। जब मैं आपका 100% विकास करवा दूंगा तब दोबारा चुनाव। वार्ड 6 की पार्षद के पति संजीव उर्फ काला बुग्गी वाला की एक ऑडियो वायरल होने से शहर की राजनीति में एकदम भूचाल सा आ गया है। हालांकि ये ऑडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है। ऑडियो वायरल करने वाले पूर्व पार्षद जोगेंद्र स्वामी का दावा है कि ये ऑडियो काला बुग्गी वाले का ही है और इसको लेकर अब पोल खोलो अभियान चलाकर एक बुग्गी चलाने से लेकर पार्षद बनने तक की संपत्ति की जाँच की वो मांग करेंगे। इस वायरल हुई ऑडियो में दावा किया गया है कि पार्षद पति परवीन नामक व्यक्ति जो राजनगर में राजेश डिपो के नाम से डिपो चलाता है उससे गरीबों को दिए जाने वाला राशन को आधा आधा बांटने की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वायरल हुई ऑडियो के कुछ अंश। परवीन? हाँ जी सर। कहाँ है? कोई कोई दिन जा रहा भाई, बताऊं बजरा आना है यार, बजरा इकट्ठा बंडना बैट बूट नहीं तो साढ़े पांच सौ मिलते दे दा तो फल है पूछता है ना लग गया सीधी एफ आई आर है ना ना फोन पूछ रहा है किसे के पता। अरे ना कई कई महीने में बैठ रहे फोन पूछ रहा इनकी तो मेरी जिम्मेदारी ने तो मैं चलाऊ जब चला तो जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कौन काबू करेगा? इंस्पेक्टर की बीमारी मत देखूंगा, कल मिलूंगा मैं तेरे से। वही इस वायरल हुई ऑडियो के बारे में जब पार्षद पति संजीव उर्फ काला बुग्गी वाले से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ये आवाज उनकी नहीं है बल्कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि जोगेंद्र स्वामी ने इस ऑडियो को वायरल किया है, वो भी ब्लैकमेलर किस्म का आदमी है। आपको सुनाते हैं कि वॉइस ऑफ पानीपत से फोन पर हुई बातचीत में पार्षद पति ने क्या कहा। मैं ये कहना चाह रहा कि अगर मुझे बदनाम करने की साजिश है, किसी ने मेरी आवाज कार्ड निकाल के ऐसा करा किसी ने। अच्छा, दूसरी बात यार, अगर ये जो परवीन है, मैं अगर मेरे रामनगर की मेरे पूरे वार्ड में परवीन नाम की है, ठीक है, बात है जी। आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये आपकी आवाज नहीं है, किसी ने बदल के आपकी आवाज इसमें डाली है? नहीं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जी। किसको पर शक है आपको? जी मैं क्या कह सकूँ इस बारे में, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आपके सामने पेश भी करूंगा, कोशिश भी करूंगा इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। मतलब आप मतलब डिनाई कर रहे हैं बिल्कुल कि आपकी आवाज इसमें नहीं है? ना जी, मुझे जो है मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहा है और इलेक्शन की वजह से लोग काम भी करें सब बेकार हो जाए जी। अरे जोगिंदर स्वामी का आया है जी पूरा, जोगिंदर स्वामी को आप जानो ही हो जैसा आदमी है। जोगिंदर स्वामी का क्या कह रहे हैं आप? जोगिंदर स्वामी ने व्हाट्सएप किया है, मेरे पूरी व्हाट्सएप आया जी। अच्छा, ये है किस्म का आदमी है, हर किस्म को लेकर मिलकर जोगेंद्र स्वामी मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि उसने ये साजिश रची है? अभी तो देखूंगा, अभी तो इसने मेरे को मैसेज दिया है,
लेकिन इस पे लिखा हुआ है बाकायदा जोगिंदर स्वामी। अच्छा तो ये कहीं ना कहीं मतलब आप ये मानते हैं कि जोगिंदर स्वामी की भी साजिश हो सकती है? कोई भी हो सकता है इसमें, पूर्ण रूप से भी किसी का नाम लेना चाहता है, इसके पास लग जाएगा तो बात करूंगा, अभी हम भी देख लें इसकी क्या मायने हो सके। वहीं पार्षद पति द्वारा जोगेंद्र स्वामी को ब्लैकमेलर कहे जाने की बात को सुनकर स्वामी तिल मिला गए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए लड़ते आ रहे हैं और आज तक भी उन पर एक पैसे रिश्वत लेने का आरोप नहीं लगा। उनका कहना है कि वो पार्षद पति पर मान हानि का दावा ठोकेंगे। और क्या कहा स्वामी ने आप खुद ही देखिए। मैं जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, एक गरीब आदमी की रोटी छीन रहा जो आदमी उसके लिए आवाज उठाता हूं, तो ब्लैकमेलर जोगेंद्र स्वामी है। आज भी मैं 30 साल से नाले के पुलिया के ऊपर रह रहा हूँ, नाले के किनारे, और इन लोगों को देखो, कल बुग्गी चलाता था, आज कितनी संपत्ति इसके पास है, वो कहाँ से आई उसका देखो। और दूसरी बात, अगर मैं ब्लैकमेलर हूँ, ये पूरे शहर में आदमी इकट्ठे कर लो, अब किस आदमी को मैंने ब्लैकमेल किया है, वो आदमी आ कह दे मैं सारी जिंदगी गुलामी करूँगा। हाँ, वो चोर जरूर कहेंगे जिनका मैं खुलासा कर रहा हूँ, जो उनसे खुलासे किए हैं, मैंने अगर कोई विड्रॉ किया है तो आप मुझे कह सकते हैं जोगेंद्र स्वामी गलत है। इसके लिए ऑडियो वायरल हुई है, कहाँ से हुई है, इसमें मैंने भी उसको देखा, मैंने टैग किया, मगर अभी गरीब आदमियों के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है वो बहुत गलत है, गरीब आदमी की रोटी तक छीन रहे हैं लोग, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए हम अब लोगों को जगाने का काम करेंगे कि ये पार्षद किस तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहा है, इसकी जाँच की मांग करेंगे। मैंने इसका CID को भी डाला है, मैंने इसका आगे उच्च अधिकारियों को भी मैंने इसकी वीडियो भेजा है, ये ऑडियो भेजा है, इसकी जांच के लिए मैं इसकी जांच करो और इसके हम कानूनी पहलू भी देखेंगे भी इसके लिए हमने क्या करना है। ये प्रवीण है, राजेश डी पोल्डर है कोई, वो प्रवीण चलाता है, तो उस प्रवीण से उसकी बात हुई है। मैं आपसे लेके मैं मानहानि का दावा डालूंगा उस आदमी के ऊपर जो आदमी ऐसा कह रहा है। हाँ, इनका जरूर मैं साबित कर दूंगा और समय आएगा, वेट करना, इन लोगों के मैं बहुत जल्दी कुछ पार्षद है जिनके मैं खुलासे करूंगा, जिसमें काला बुग्गी वाला भी है और इसके और भी साथी हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनके खुलासे बहुत जल्दी मैं आपके सामने करूंगा। फिलहाल ये सारा मामला जांच का विषय है, लेकिन ऑडियो वायरल होने से सोशल मीडिया में एक नई बहस छिड़ सी गई है। इस मामले में हमने प्रवीण से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद होने से उनसे बातचीत नहीं हो सकी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सहयोगी देवेंद्र शर्मा के साथ कुलवंत सिंह। क्लीन एंड ग्रीन अभियान के तहत वकीलों और स्वयं सेवकों को साथ लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहित अग्रवाल ने खुद फील्ड में उतरने की तैयारी कर ली है। आज इसी के तहत वकीलों के पैनल और स्वयं सेवकों की मीटिंग मोहित अग्रवाल ने ली। सचिव मोहित अग्रवाल ने बताया कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक नई सोच को लेकर वो फील्ड में उतरने जा रहे हैं। इसके तहत सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों से व्यवस्था को सुधारने की अपील की जाएगी। ये दो प्रोजेक्ट्स के बारे में आज डिस्कशन है। पहला तो सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ का है, जो क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन हमारी हालसा वाले 9 तारीख को शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में मैं अभी बनाया है रिपोर्ट कि 12 कैंप तो हमारे लगने हैं गांवों में, जो 10 तारीख को 4 लगेंगे, 11 को 4 और 14 को 4। ये तो शुरुआत है, पहले हफ्ते का ही प्रोग्राम है, ये तो पूरा साल ही जारी रहेगा, लेकिन ये पहले हफ्ते में हम 12 कैंप गाँव में और करीब 30 से 40 कैंप, ये 50 तक भी हो सकते हैं, 50 के करीब कैंप मैं स्कूल्स में लगाऊंगा, जिसमें पैरालीगल वॉलंटियर जाएंगे और पैनल एडवोकेट्स जाएंगे। आज टीम बना दी है, क्योंकि टीम तो ये वैसे बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें 20 की भी बना सकता हूँ, 30 की भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी आज हाजिर हैं उन सबकी ही टीम बना दी है मैंने। हरियाणा के कई जिलों से महिलाओं के चोटी कटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पानीपत के निजामपुर गांव में मीना नाम की महिला की चोटी कटने से गांव के लोग दहशत में आ गए। महिला के मुताबिक सफेद बालों वाली बुढ़िया ने उसकी चोटी काटी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी गांव में पहुंच गई। महिला की बात सुनकर पुलिस भी हैरान थी, आखिर किसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। भय का माहौल गांव में इस कदर है कि गांव के लोगों ने डर के मारे घरों के आगे नींबू, मिर्ची और नीम की पत्तियां टांगनी शुरू कर दी हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद मीना सदमे में है और अब वो घर से बाहर नहीं निकल रही। वॉइस ऑफ पानीपत भी लोगों से अपील करता है कि अफवाहों की ओर ध्यान न दें। फिलहाल इस हादसे के बाद पूरे हरियाणा में एक हलचल सी पैदा हो गई है। बाड़ा तो बेरा ही कौन तो बोर्ड पर कटे बाल, तो सोरी ने देखे अंदर जाएगा जी मारी की लिखी पड़ी बाल कट रहे फिर बाहर उड़े सिंह पिसाब बोल के उड़ा ही कटे पाए मंत्र जना नहीं देखी बार पर बाल तो हो रहे डाल की थी कैसे थे कुछ दिखाई दिया उसके तो मेरे तो लंबे हाथ थे
अच्छा कर रही थी बस दीवार के ऊपर का हुआ मैं तो गली में खड़ी थी वो नहीं छत के सारा खड़ी थी आवाज नहीं लगाई किसी को मैंने किली थी तो बतेरी मारी हम तो भीतर मैं उड़न की बजाय मतलब अंदर पड़ गई है सोरी भी डर गई मेरी आड़ी पहाड़ों में चल रही बरसात के चलते यमुना नदी में दो दिनों से लगातार नदी का जल स्तर बढ़ रहा है जहां मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश चल रही है वहीं पहाड़ों में भी हो रही बरसात के कारण ताजेवाला हेड से यमुना नदी में पानी छोड़ने से सोमवार रात को यमुना नदी में पानी का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ था जो धीरे धीरे चेतावनी स्तर 230.10 पर बहते हुए खतरे के निशान 230.85 की ओर बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि यमुना नदी में बाढ़ के कारण पानी से नदी के अंदर खड़ी घिया पेठा मिर्च आदि सब्जियों में पानी भर गया है। किसानों का मानना है कि पानी अधिक समय तक बहता रहा तो पानी में खड़ी फसलें गल जाएगी। पानीपत की तमाम मार्केट में इन दिनों त्योहारों के बावजूद मंदी का दौर चल रहा है। वजह यह बताई जा रही है कि मार्केट में पर्याप्त मात्रा में माल नहीं आ रहा क्योंकि कुछ व्यापारी अभी तक GST नंबर ही नहीं ले पाए जिसकी वजह से ना तो माल खरीद हो रही है और ना ही माल मार्केट में आ पा रहा है। पुरानी कोट की ओर जाने वाला रास्ता इन दिनों काफी जर्जर हालत में बना हुआ है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि इस जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन कार्य धीमी गति होने की वजह से हर दिन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय और भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।